हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला जोन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच में हम अपना खुद का फ़ोटो को लगा सकते हैं, हम अपना खुद का फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यहां पे अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास यहां पे बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच है और इसका जो मॉडल है फ्रेंड्स वो है कॉल स्ट्रॉम, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। मैंने यहां पे अपना खुद का जो है फ़ोटो यहां पे सेट करके रखा है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी बोट कंपनी का स्मार्ट वॉच है और आप भी चाहते हो कि आप अपने स्मार्ट वॉच पे जो है स्क्रीन पे अपना खुद का फ़ोटो को सेट करना सीखना चाहते हो या फिर कोई कस्टम वॉलपेपर लगाना सीखना चाहते, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंच चुके हो। इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूं कि आप लोग जो है किस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच में अपना खुद का जो है फोटो को सेट कर सकते हो या फिर लगा सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं नो टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यार ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लेके आते रहता हूं, जो कि आप लोग देख के यार बहुत कुछ सीख सकते हो। और आप में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये जो वॉच है वो आपने जो है कितना में खरीदा था। ठीक है, तो देखते हैं यार कोई किसने जो है कितना में खरीदा है। फिलहाल तो मैंने इसको जो है 1600 में खरीदा है, देखते हैं किसने कितना में खरीदा है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगर आप लोग जो है अपना यहां पे फोटो को सेट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, सिंपल से आप अपने मोबाइल फोन का गूगल प्ले स्टोर को ओपन कीजिए। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे बोट लिखना है, बोट लिख के ये वाला एप्लीकेशन, आई होप कि अगर आप लोगों के पास ये वाला स्मार्ट वॉच है तो ये वाला एप्लीकेशन भी इंस्टॉल होगा ही आपके फ़ोन में। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन को आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग जो है इसको यहाँ पे फोटो वगैरह लगा पाओगे। इसको इंस्टॉल करके सिंपल से ओपन कर लीजिए और फर्स्ट टाइम में आप लोगों को जो यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह डाल के साइनअप वगैरह करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैसे अकाउंट बनाते हैं। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने ये एप्लीकेशन को यहाँ पे अकाउंट वगैरह सारा चीज़ जो है बना लिया और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको ओपन भी कर लिया। तो इसमें आप फोटो को सेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ चेक करना होता है कि आपका जो वॉच है वो आपके फ़ोन से कनेक्ट है या नहीं। यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो स्ट्रॉम कॉल बीटी, यानी कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो हमारे जो है फ़ोन से कनेक्ट है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है माई वॉच लिखा है इस पर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा कि आपका वॉच कनेक्ट है या नहीं है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से नीचे आ जाना और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वॉच फेसेस लिखा हुआ है, तो सिंपल से आप लोग इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे आप लोगों को वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट कस्टम वॉच फेसेस, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा बैकग्राउंड वगैरह आ जाएगा, तो आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ पे देख सकते हो अपलोड इमेज का भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट आप लोगों को इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को चूज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लेना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी फोटो लगाना उस वाले फोटो को ले आइए, तो फिलहाल मैं इस वाले फोटो को यहाँ पे लगाना हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, जैसे फोटो को आप जूम इन जूम आउट करते हो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया। अभी मैं यहाँ पे जो है ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल से देख सकते हो आपका प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा किस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पे आप लोगों को सिंपल से डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को जो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को वेट करना पड़ेगा और कुछ ही सेकंड में फ्रेंड्स आपका जो वॉलपेपर है यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग भी चलने लगा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में यहाँ पे देख सकते हो आगे बढ़ रहा है। जैसे ही हमारा ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा वैसे ही फ्रेंड्स हमारा तुरंत ही हमारे स्मार्ट वॉच जो है फ्रेंड्स यहां पे हमारा वॉलपेपर सेट कर दिया जाएगा। अभी यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना जब तक ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। आप लोग देख सकते हो सक्सेसफुली हमारे यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस कंप्लीट भी हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओके का ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे जो वॉच फेसेस वो हमने यहाँ पे चेंज भी कर लिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ पे सेट हो चुका है, पहले कुछ और टाइप में सेट था, अभी देख सकते हो कुछ और टाइप में जो है यहाँ पे सेट है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से यूज़ करके आप लोग भी अपने बोट कंपनी के स्मार्ट वॉच में आप अपना खुद का जो है वॉलपेपर खुद का जो है फोटो को सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको तो जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।